इतना सस्ता मैंने ड्राई फ्रूट्स कभी नहीं देखा लाइफ में। जो शिप एनिमल है उसके स्किन जो होता है आप देख पा रहे हो यहाँ पर, उसके अंदर चीज को रखा जाता है। अज़रबैजान इज वेरी फेमस फॉर लोकल वाइन, लोग यहाँ से बॉटल्स उठा के जाते हैं और जब यहाँ पर होते काफी वाइन एंजॉय भी करता है। सामने 300 एकड़, यहाँ पर 50 एकड़ में ये बनी हुई है। वो स्टेट अलग हो गया, उसके बाद रूल किया शशि खान ने और उन्होंने यहाँ पर आके ये पैलेस बनाया। जब सिल्क रूट के टाइम पे बिजनेस होता था उस टाइम पे इंटरनेशनल लोग जब इस रूट से पास होते थे और यहाँ पर ठहरते थे। When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. क्या है कि अच्छा अच्छा खाना देख के पता तो चल ही गया होगा कि कोई होटल का शॉट है ये, और होटल में ठहरी हूँ। सो आज का एपिसोड चालू करते हैं बाकू की इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, जहाँ पर मैं रुकी हूँ और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपको लेके जाऊँगी यहाँ से एक क्रेजी रोड ट्रिप जो है अज़रबैजान कंट्री में, और बाकू से करीबन 5 घंटे की दूरी है। सो लेट मी स्टार्ट माई ब्लॉग एंड फर्स्ट टाइम फिनिशिंग माई डिलीशियस ब्रेकफास्ट। तो पीछे बैठ के लेटी है, इतनी रिलैक्सिंग ट्रिप हो रही है इस लड़की की, यानी इसको मजे है। आई मीन वो बहुत रिलैक्स कर रही है, चिल कर रही है, नेचर सीनरी एंजॉय कर रही है। उसके पीछे कुछ दिखता नहीं है, यहाँ पे तो सब बंद हो चुका है। आई मीन सब काम तमाम कर दिया इन लोगों ने, बट लुक्स गुड ना, यानी सोचो यहाँ पर जब चालू होता होगा ये कितना सुंदर जगह है बैठ के ये व्यू के साथ। यार आई फील लाइक लद्दाख एंड हिमाचल वाला, बट ये लोग बोल रहे हैं ये अभी ऐसा जैसे बारिश होगा हर जगह ग्रीनरी हो जाएगी। नहीं स्टिल आई एम नॉट बिलीविंग इट, क्योंकि इतना ड्राई मुझे डेजर्ट लग रहा है बट है नहीं, बट आई स्टिल लुक सो ब्यूटीफुल। स्काई ब्लू है, ब्राउन येलो कलर के माउंटेन्स है एंड आई एम ड्राइविंग ऑन द रोड। तो अभी हम यहाँ से गबाला जहाँ पर जा रहे हैं, दैट्स अ हिल स्टेशन जहाँ पर हमारी आज की जर्नी हो रही है, तो वो और भी 2 घंटा है, बट रोड्स आर द सेम, बहुत कम कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स ऑन द वे है। ये है गबाला रेलवे स्टेशन, ये मेरे लिए काफ़ी एक नई चीज़ हो गई। मैं पूरा टाइम प्रॉपर इंक्वायरी कर रही थी कि अगर गबाला, क्योंकि स्की के लिए विंटर के लिए जो डेस्टिनेशन है जहाँ मैं पहुँच गई हूँ ड्राइव करके, बहुत फेमस है और लोग स्पेशली यहाँ पर स्की करने के लिए आता है। ओके, और काफ़ी कॉस्टली भी होता है विंटर में, तो मैं वही सोच रही थी कि यहाँ पर आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, क्योंकि मैंने पूरी जर्नी में कहीं पे भी बस नहीं देखी है, कोई भी प्राइवेट कैब्स देखी है, टैक्सी देखी है। एंड देन आई केम टू नो देयर इज़ अ रेलवे स्टेशन, सो इसका मतलब ट्रेन आती है एंड बाकू इज़ द कैपिटल जहाँ से चलती है ट्रेन। इट्स सो सिंपल, बाकी की चीज़ें इंक्वायरी तो मिली जाएगी वेबसाइट्स पे, कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। बस कर लो बाकू, लैंड हो जाओ और बाकू से ट्रेन पकड़ के आ जाओ सिर्फ 15 मिनट में, जो होता है अपने 750 रुपया, और 3 से 4 घंटे की जर्नी है। यू विल रीच टू दिस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, यहाँ से लोकल कैब्स मिल जाती है एंड यू कैन गो टू योर होटल एंड एक्सप्लोर दिस रीजन गबाला विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। फिलहाल मैं हूँ ट्रेन स्टेशन पे, और जैसे मैं कार ड्राइव करके आई हूँ और मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हो। हैदर अली बे कांग्रेस हॉल देखना पड़ेगा, दिखना बड़ा सुंदर लग रहा है, यानी पहाड़ों के बीच में इतना एंटिक पैलेस जैसा हॉल, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो ये है मेन सेंटर ऑफ गबाला, बाय गॉड बहुत सुंदर लग रहा है, और मैं इमेजिन कर रही हूँ कि विंटर में ये सारे पहाड़ जब बर्फ से ढंके हो गए, या मैं सच बता रही हूँ मैं समर में आई हूँ बट मुझे फील होने लगा है कि मुझे विंटर में भी आना चाहिए यहाँ पर स्पेशली। सोचो ये सब जगह बर्फ है और यहाँ पर मिल चुका है अपने को राजा इंडियन एंड अज़रबैजानी कुजीन। तो राजा जो है वो अज़रबैजानी इंडियन दोनों कुजीन, आपको जो भी खाना है एक ही जगह पर, वो भी इतने सुंदर व्यू के साथ। पीछे जो दिखाई दे रहा है
चलो फिर कुछ ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। आज तो भूख एकदम पूरी होने वाली है, फाइनली अज़रबैजान में इंडियन खाना खाने वाली हूँ। तो अकरम जी अपने पाकिस्तान से और इतना बढ़िया लाहौर से है, इतना बढ़िया हमारे लिए ऑर्डर दिया है और मुझे खिलाएंगे आज पाकिस्तान खाना। थैंक यू थैंक यू, मज़ा आ जाएगा एकदम। मिक्स वेजिटेबल सब्जी, बिरयानी, राइस, रोटी, रायता, सो ये सेट एकदम। तो आज बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है बहुत टाइम बाद। चिकन, वेज, वाइट राइस, ओके, सब्जी, वेज। देखो भाई, जो मिला भगवान के नाम से खाओ, ऐसा होता है जब भी आप इंडिया से बाहर हो जाओ। मिक्स वेजिटेबल, लिटिल इंडियन लिटिल पाकिस्तानी साइड, क्योंकि अपने जो शेफ है वो पाकिस्तान से। सो हम लोग आ चुके हैं अभी गार्डन गबाला होटल फाइनली, आफ्टर हैविंग फूड एंड ऑल स्टफ। सो आज का दिन तो ऐसे ही चला गया, फाइनली गोना चेक इन, रिलैक्स करेंगे और फिर उसके बाद गबाला हम लोग मॉर्निंग में एक्सप्लोर करेंगे। शो से ये होटल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एकदम पैलेस वाला रूम है और देखो यहाँ पर पूरा एक बेड, ये यहाँ पर भी डबल बेड, यहाँ पर सोफा एंड लाइक द इंटीरियर लाइट्स, एंट्रेंस इज प्रीटी गुड, इतना ह्यूज गेट एंड दिस पेंटिंग, बालकनी भी है। तो काफ़ी अच्छा रूम लगा मुझे अभी, यानी जब सीज़न होता है समर इज़ रियली गुड पीक सीज़न, तो है सही 15,000 का, बट मुझे फिर भी इंडिया के हिसाब से अगर इतना बड़ा होटल तो वो काफ़ी सस्ता लगा, बट नो सीज़न में 7-8 हज़ार का होता है। तो दिस इज़ गुड होटल टू स्टे इन गबाला अगर कभी ज़िंदगी में प्लान करते हो अज़रबैजान। वी हैव बालकनी ऑल्सो एंड द व्यू इज़ जस्ट नॉर्मल, बाहर का दिन में ज़्यादा पता चलेगा, अभी तो एकदम ही अंधेरा हो चुका है, बट वेदर इतना ज़्यादा अच्छा है, आई कांट टेल यू गाइस। कहते हैं अच्छे दिन की शुरुआत अच्छे ब्रेकफास्ट से होती है, और इसलिए स्पेशली जब मैं काम पे होती हूँ बाहर, आई डोंट मिस आउट माई ब्रेकफास्ट। एंड यहाँ पर गबाला गार्डन होटल में मुझे डिलीशियस ब्रेकफास्ट दिख रहा है। इतना दिन में फिर भी उठ गई बिकॉज वी हैव टू लीव फॉर सम गुड एडवेंचर, ब्यूटिफुल प्लेसेस, एंड या स्टे ट्यून्ड, लेट मी फिनिश माई ब्रेकफास्ट एंड देन मैं आपको लेके जाती हूँ। How much for this? 11 manat for 1 kg. 1 kg? 11 manat for 1 kilo. बहुत सस्ता है। Oh my god. काफी सस्ता है, right? It's not more than 500 rupees. ये तो बहुत बढ़िया है, एक एक किलो अखरोट मिल रहे भाई, यहाँ से आके लेके जाओ, यानी इतना सस्ता मैंने ड्राई फ्रूट्स कभी नहीं देखा लाइफ में। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि जहाँ पर आप आए हो लोकल मार्केट ज़रूर विजिट करो। मेरे हर ब्लॉग में आप लोग देखते होंगे, यहाँ पर मुझे मिल चुका है एक लोकल मार्केट जहाँ पर काफ़ी सस्ता सामान है, खाना पीना, शॉपिंग, एवरीथिंग। सो दिस कॉल गबाला बाजार और इसमें मैं एंटर हो रही हूँ। मेरे को यहाँ से काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है देख के, क्योंकि देखो ज़रा क्या लुक है उसका, है ना, बढ़िया एकदम। तो यहाँ पर आपको पक्का देखने को मिलेगी लोकल शॉपिंग जो होती है, टी शर्ट्स, शूज, शेड्स, कैप्स, हैट्स। लेट मी बाय समथिंग। दिल्ली का मार्केट, मुंबई का मार्केट, सब याद आ रहा है मुझे देख के। द फर्क इतना है कि ये यहाँ पर यहाँ की फैशन है, आई मीन लोकल फैशन, तो और मजा आ रहा है देखने में। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जहाँ पर मुझे स्मेल भी काफ़ी आती है बीइंग अ वेजिटेरियन, बट चीज़, लोकल चीज़, सब्जी, ओहो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। सो मैं ये सब जगह आ ही जाती हूँ ऑफकोर्स। ओहो सारे क्रीम चीज़ से जो बनते हैं यहाँ पे लोग लेके जाते हैं मुझे, और क्या इस मात्रा में चीज़ मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है, जिस तरीके से यानी भर भर के चीज़ है यहाँ पे। दे मेड दिस चीज़ एंड कैप्ट इनसाइड, बट व्हाई इन शिप स्किन? जो शिप एनिमल है उसके स्किन जो होता है आप देख पा रहे हो यहाँ पर, उसके अंदर चीज को रखा जाता है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु लव वेजिटेरियन जिनको
चीज़ खाने में प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए, शायद ये देख के ऐसा लगेगा अरे बाप रे चीज़ है। ऑफकोर्स सबको पता है कि चीज़ कभी भी वेजिटेरियन नहीं होता है, बट स्टिल वी ईट चीज़। तो यहाँ पर तो मुझे काफ़ी डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज़ देखने को मिली, आई एम रियली अमेज्ड। अलग अलग चीज़ के इतने नाम है कि मैं वो नाम भी याद रखना मुश्किल हो जाएगा। बहुत प्यारे है लोग यहाँ के, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे समझा रहा है किससे बनाता है। ये सारे एप्पल्स हैं जिससे वो बना रही हैं और उसका मुरब्बा बनाता है, यानी जैम। देखो मुरब्बा, और मुरब्बा मैंने बचपन में सुना है मम्मी के मुंह से, तो शायद यहाँ का ये वर्ड काफी कॉमन है हमारा और कंट्री का। आई मीन शी इज गिविंग मी टी। बस फिर मैं आ चुकी हूँ एक प्यारे से वाटरफॉल जिसका नाम है सेवन ब्यूटी वाटरफॉल। फॉरेस्ट के अंदर है और काफी सुंदर है। आई होप अभी इतनी बारिश तो है नहीं, देखो कितना पानी मिलता है। इनको देख लो मैडम को। तो ये मैडम जो है वो अपना फ्लावर रिंग पहनी है अपने सर पे, यहाँ पर छोटी छोटी क्या बोलता है टियारा अपने वहाँ टियारा बोलता है। ये ओरिजिनल फ्लावर का टियारा है, टियारा का फियारा मत कर देना गिरा गिरा के। हाउ मच फॉर दिस? Two manat. So, मैंने भी पहन लिया ये तियारा। लग रहा है अपने लिए ये थोड़ा टफ स्लोप होने वाला है, उसके बाद स्टेप्स है 100 steps, बट काफी सुंदर नजारा है। काफी पीसफुल जगह है। आई मीन जब आप हिल स्टेशन पे जाते हो तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती है, जगहें होती है जो आपकी ट्रिप मेमोरेबल बना देती है। आई रियली लव द प्लेस क्योंकि पूरा नेचर के बीच में, और ये पूरा जो कैफ़े है उसमें बैठो आराम से वाटरफॉल देखो। अगर ज़्यादा अच्छा व्यू चाहिए तो और भी ऊपर जा सकता है, बट आई कांट, आई नो, आई मीन आई हैव दिस लेग इश्यू, तो वेयरिंग एंकल ब्रेस थोड़ा बहुत वॉक चलता है, बट इतना ज़्यादा मैं क्लाइम नहीं कर सकती। नाइस प्लेस, आई एम जस्ट सिटिंग ओवर हियर और एंजॉयिंग। यहाँ पर अपने पास अज़रबैजानी टी, ये स्ट्रॉबेरी मुरब्बा है, स्वीट होता है, तो इसके अंदर लेमन शुगर ऐसे ऐड करके ये टी इसके साथ पीना है। सो दिस इज ट्रेडिशनल टी एंड लेट मी ट्राई स्ट्रॉबेरी मुरब्बा। आई कैन ट्राई, बाप रे इतना ज़्यादा स्टिकी है, बट मुझे लगता है ये पूरा शुगर वाला होएगा। फ्रूट मुरब्बा। All your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? Not every time. So this lake is, I mean, of course, glacier का पानी से, ऊपर से पानी जो आता है river से बना हुआ है, और अच्छी जगह है। कुबा में जो हमने lake देखा था वो थोड़ा छोटा सा था, ये काफ़ी बड़ा है। एंड लाइक देर आर सो मैनी रेस्टोरेंट्स, कैफेज, सो जो माउंटेन में आके आप रिलैक्स करते हो एंड यहाँ पर आ सकते हो। द प्लेस, बाई गॉड इट्स सो ह्यूज लेक एंड सराउंडिंग दिस माउंटेन्स लुकिंग फैबुलस। सो या अभी मैं थोड़ा और आगे जा रही हूँ, बोटिंग भी हो रही है, काफ़ी सनी है फिलहाल बिकॉज इट्स समर एज आई सेड, तो समर में तो ये सनी रहता है, बट विंटर में पहाड़ बर्फ के और बीच में ये लेक पाना। ओह माय गॉड, इट्स रियल क्यूट मंकी पिंग पिंग। मैं तो आराम से बैठ गई। कुताब जो यहाँ का लोकल फूड है, विच यू कैन हैव इन वेजिटेरियन, जो मैंने पहले भी खाया शायद लास्ट एपिसोड में देखा होगा, तो वही मैंने कॉफ़ी एंड किताब मंगाया है। पापरे मीट में तो इतनी वैरायटीज़ है, ऑफ कोर्स जब भी अब्रॉड जाते स्पेशली ये सब कंट्रीज़ में तो बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है, बट मैं कभी खा नहीं पाती हूँ तो आपको दिखा भी नहीं पाती हूँ। बट येस अभी फिलहाल यहाँ बैठी हूँ मैं। गुड कॉफ़ी। अब लग रहा है जैसे पहाड़ों में कहीं आ गए। तूफान दाग रिजॉर्ट, ये रिजॉर्ट है और यहाँ गबाला में, यहाँ पर 4th फ्लोर से हमें केबल कार स्टेशन आना है, उसके बाद हमें केबल कार लेके ऊपर पहाड़ों में जाना है। तो बस मैं भाग रही हूँ बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट, एंड सामने से मुझे रोप पे भी दिखाई दे रहा है,
यानी ऊपर केबल कार जो जा रही है, इट्स ब्यूटीफुल। सो या लेट्स गो, लेट्स रन। या सो यहाँ से अपने को लेनी है टिकट, तो यहाँ से जाता है केबल कार ऊपर तक, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर लेट अगेन, सो वी हैव टू अगेन कम बैक इन द मॉर्निंग। बट यही है स्की डेस्टिनेशन जो मैं आपको बार बार बोल रही थी, इतना प्यारा ये लोकेशन है। यहाँ से ऊपर जाती है केबल कार और स्की होते हैं। आई विल शो यू, एक मैप है मेरे पास यहाँ पर, जब स्नो स्नो दिख रहा है पूरा। यहाँ पर भी पोस्टर है, इफ यू कैन सी ऊपर पूरा है ना, सारे जो स्नो एडवेंचर होते हैं, यू कैन सी लेवल्स एंड ऑल, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, इट इज़ अमेजिंग, जस्ट लाइक अवर कश्मीर गुलमर्ग। मुझे याद आ गई कि जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं। सो या विंटर इज सुपर फॉर दिस प्लेस, एंड अगेन आई विल कम इन द मॉर्निंग, क्योंकि शाम को 6 बजे तक ही चालू है, हमको लगा 7 बजे तक, तो हम थोड़ा लेट है, बट दैट्स फाइन। द प्लेस इज लाजा विलेज, पता है आपको, मुझे याद आ गया हमारे स्पीति वैली का काजा। बोलते हैं ना दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जो काफ़ी सिमिलर होती है, और जब यहाँ पर मैं जर्नी करके आ रही थी गाड़ी चला के, तभी भी मुझे रोड्स इतने सिमिलर एंड लैंडस्केप इतने सिमिलर, रोड्स इतने सिमिलर लग रहे थे कि जैसे मैं हिमाचल में ही अपनी गाड़ी चला रही हूँ। सो दिस प्लेस इज स्मॉल विलेज एंड दे हैव मेड अप सम कैफेज, क्योंकि व्यू पॉइंट्स अच्छे हैं, तो लोग यहाँ पर बैठ के चाय कॉफी पीते हैं, छोटा मोटा शॉपिंग करते हैं, बट लुक्स सो ब्यूटीफुल ऊपर से पूरा विलेज एंड लैंडस्केप। सामने आर्मी कैंप भी है। ये है जहाँ हम पहुँचे हैं, और आई थिंक दिस प्लेस इज मच बेटर ड्यूरिंग सनसेट जो हम आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली कल जल्दी बंद हो गया था, वीकेंड में ज़्यादा अच्छा होगा। सो मैडम ने आइसक्रीम और मैंने कॉफी, एंड या ये पी के हम लोग जाएंगे एक दूसरे रूट पे। दिस इज अनदर केबल कार जो हम लेके ऊपर आ चुके हैं, वो वाला अलग व्यू था, यहाँ से अलग व्यू है। We are almost going down to land side, I mean. Then again we can take again the same route the cable car going up. फिर अलग लेके वापस हम जहाँ से स्टार्ट किया था, तो एक अलग ही स्टेशन है। पर यार ऑल द वे लाइक लॉट ऑफ केबल कार्स दे हैव, तो वो जर्नी अच्छा है, घूमते रहो इधर से उधर। This is my next destination for today and second last one, I mean for Gabala. Gabala mein Savalan, ye hai winery which is very famous, aur bhi hai winery but ye Gabala ke nazdeek hai, to ye winery visit karne aayi hu and maine socha ki main aapko dikhaun ki wine kaise banti hai local, kyunki Azerbaijan is very famous for local wine. Log yahan se bottles utha ke jaate hain aur jab yahan par hote kaafi wine enjoy bhi karta hai. So let me show you how they make wine. I can read Savalan samne 300 acre, yahan par 50 acre mein ye bani hui hai, total 350 acre. Bhai itna bada area. यहाँ पर ब्रांडी बनती है, ये सारे ब्रांडी का स्टोरेज है, और इट्स स्मेल्स, और इतना कूल लग रहा है क्योंकि फुल ऑन एसी में चिल्ड, सो ये ब्रांडी का स्टोरेज है। डिगस्टेशन रूम, व्हाट स्टेशन? डिगस्टेशन रूम, टेस्टिंग रूम, टेस्टिंग रूम फॉर ब्रांडी। हां, सो ये ऑफिशियली स्टार्टेड फॉर टूरिस्ट और नॉट ऑफिशियली? या ओपन स्टार्टिंग, या माई गॉड, अगर ड्रिंक नहीं करते हो, वाइन नहीं पीते हो, तो ये स्मेल करके चक्कर आ जाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल है, बट इतना अच्छा स्मेल भी है, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ मशीन्स, और यहाँ पर बनती है वाइन ये जगह पर।
And the brand name is? Production Savelan. Yes, production is two type of grape. Wow. Pinot Noir is black muscat. Ah. To mix. No India. India में नहीं भेजते हैं ये लोग वाइन. फ्रांस, इटली, यूरोप के काफी कंट्रीज में जाते हैं. एंड ये रेडी वाइन है जो मैं अभी देख पा रही हूँ. बॉटल्स ऑफ वाइन, देयर आर मोर स्टोरेज वाइन के जो होता है. ये सारे रेड वाइन है. वहाँ पर रोज वाइन था. द फाइनल स्टेप टू टेस्ट द वाइन. क्या बढ़िया वाइन टेस्टिंग रूम है इन लोगों का. सी, यहाँ पर बैठ के हम वाइन टेस्ट करेंगे. मैं तो नॉन अल्कोहलिक, मुझे ज़्यादा नहीं पता चलता. बट या आई एम श्योर कि अच्छा एक्सपीरियंस होगा. दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वाइन. ओह, वेरी स्ट्रॉन्ग. शेकी फोर्ट्रेस. तो ये जो है वो है शेकी टाउन. देखा ना क्या बढ़िया स्ट्रक्चर है. यानी ये पहाड़ के बीच का सिटी का, आई मीन सो ब्यूटीफुल. क्योंकि मुझे बहुत ही डिफरेंट पुर्तगाल और इस जगह की वाइब आ गई. क्योंकि बहुत पुराना स्ट्रक्चर है. द वे दे मेंटेन बहुत नाइसली. अभी फिलहाल ये जो फोर्ट्रेस है वो काफ़ी लंबा है. वॉक भी है. देयर इज़ अ पैलेस ऑल्सो इफ यू वांट टू गो. द एंट्री इज़ फ्री. बट पैलेस अगर विजिट करना है देन यू हैव टू पे फॉर दैट. जो मेरे आसपास पैलेस जैसा लुक लग रहा है शेशी खान ने बनाया. बिफोर दैट 16th, 12th and 16th century में शिरवान शाह जो रूल करते थे यहाँ पे, और उस टाइम पे दिस प्लेस गबाला सब कुछ शिरवान शाह में होता है. उसके बाद शिरवान शाह अलग हो गया, वो स्टेट अलग हो गया. उसके बाद रूल किया शेशी खान ने और उन्होंने यहाँ पर आके ये पैलेस बनाया. गबाला आज सब कुछ एक साथ आ रहा है. शिरवान शाह अलग हो चुका है. उसके बाद अगेन नेक्स्ट वॉर जिसमें रशियन जीत गए और उसके बाद रशियन ने रूल किया इस जगह पे. सो या हिस्ट्री इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑलवेज इन यूरोप, ईस्टर्न वेस्टर्न एनी यूरोप आई मीन. सो काफ़ी कुछ होता है यहाँ पर. बोर्ड पे काफ़ी की हिस्ट्री भी लिखी जाती है अगर आपको पढ़ना है तो. द प्लेस इज़ वेरी पीसफुल. दे हैव सम हैंडमेड फ्रेम्स जो मैंने देखे अभी वॉल के ऊपर. आई मीन दैट्स सिम्बॉल फॉर सम यू नो साइंस एंड ऑल जो एंशंट टाइम से चलते आए हैं. तो ये सुवेनियर्स के शॉप है यहाँ पे. एंड पूरा जो स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है जैसे कोई यू नो जो फोर्ट होता है और आसपास जो लोग रहते हैं उस टाइम के. यू नो फील दैट कि यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे. नॉर्थ वेस्ट साइड बना हुआ ये अजरबैजान के नॉर्थ वेस्ट शेकी विलेज है. शेकी विलेज के टॉप में पहाड़ों के साइड बना हुआ ये फोर्ट्रेस है जहाँ पर अभी मैं फिलहाल हूँ. सो यार द प्लेस इज नाइस. शेकी पैलेस में जाने के लिए 5 से 10 मन्नत का चार्ज होता है अगर आपको अंदर जाके देखना है. पर या सो लेट मी टेक यू सम अनदर प्लेस विच इज़ नियर बाय. तो यहाँ पर ऐसे सारे चीज़ें बनती हैं मिट्टी से. आर्ट वर्क थोड़ा अंदर की साइड में आई हूँ. हर एक पेंटिंग कहीं ना कहीं हिस्ट्री दर्शाती है जो मुझे समझ में आता है. इतना डीप तो हम जा नहीं सकते हर चीज़ को लेके. बट जब देखते भी हो ना, फॉर एग्जांपल सी दिस पेंटिंग राइट. बट इतना भी जब देखते तो समझ में ज़रूर आता है. यू फील गुड नोइंग लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द कंट्री. ये सामने जो दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो 16वीं सेंचुरी के हैं. 16 आई मीन रियली सो ओल्ड. नाइस. This is silk? Yeah. Can the I blood. Touch? Shall yeah, the check? Azerbaijan is famous to produce, especially yeah. Sheikh is famous to produce the silk. Wow, it's so nice. तो एक ज़माना था जब सिल्क यहाँ से भाई एक्सपोर्ट होता था यूरोप में. बहुत फेमस था. आज तो अभी खुद के कंट्री के लिए और टूरिस्ट के लिए यूज़ होता है. आई मीन प्लेस इज़ फेमस फॉर सिल्क प्रोड्यूस. सो ये 18th सेंचुरी की होटल है कारावन सराय. सी उसका स्ट्रक्चर अभी भी ऐसी चीज़ है और कितना सुंदर लग रहा है. हाँ, फीलिंग कूल. सो आज तो ये एक विजिट करने की एक यू नो जगह बन चुकी है, अट्रैक्शन. आई मीन लोग आते हैं देखने के लिए.
but basically it's a hotel from inside. जब सिल्क रूट के टाइम पे बिजनेस होता था उस टाइम पे इंटरनेशनल लोग जब इस रूट से पास होते थे और यहाँ पर ठहरते थे उस ज़माने का ये हॉटल है और हर रूम के नीचे मुझे एक स्टोरेज का जो एरिया दिखाई दे रहा है वहाँ पर उनका सामान स्टोर करते थे यहाँ पर पानी सो दिस इज़ नॉट पैलेस इट लुक्स लाइक पैलेस बट ये एक रिजॉर्ट होटल है उस ज़माने की जो अभी भी इतनी बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने मेनटेन रखा है कुछ लोग जो अभी भी रहते हैं यहाँ पर आके सो नाइस प्लेस इन मिडल ऑफ द सेंटर इन द शेखी टाउन Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. दिस इज स्पोर्टी स्पोर्टी वाला प्लेस जो मैंने अभी किया स्विंग एंड ऑल क्या बढ़िया जगह है और ये है जिप लाइन सो यहाँ हम देखते हैं लोकेशन कैसा है जिप लाइन का बिकॉज बाहर कहीं कर रहे हैं थोड़ा डर भी लगता है सामने दिखाई दे रहा है तो बस इतना ही है हाउ मच फॉर द जिप लाइन 15 एक्चुअली पानी भी नहीं है बट फोटोज में रिवर के ऊपर दिख रहा था ये जिप लाइन तो अगर करना है तो गुड है उल्लू बनाया बड़ा मजा आया सो अभी यहाँ पर डिलीशियस डिनर खाएंगे इस जगह का आनंद लेते हुए यहाँ से हम निकलेंगे अजरबैजान का सफर यहीं पे खत्म करते हैं आई एम श्योर बियॉन्ड बाकू एंड सिटी लाइफ अजरबैजान के डिफरेंट लैंडस्केप्स एंड कल्चर आपको एक बार तो ये कंट्री विजिट करने के लिए जरूर मोटिवेट करेंगे और हाँ अगर स्नो व्हाइट लैंड देखने का मन है तो इवन विंटर भी इस कंट्री का बहुत खूबसूरत रहेगा बस फिर मिलते हैं दुनिया के कोई एक नए कोने में नए देश में नेक्स्ट एपिसोड में आज का एपिसोड पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हिट द बेल आइकन आई विल सी यू सून तब तक अलविदा लव यू ऑल बाय